हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी हिंदी की कार्य पत्रिका है, थर्ड क्लास की, तीसरी क्लास की, जिसकी बेटा क्रम संख्या है 13A, 13A, ठीक है। इसके बाद 13B भी है, जो EVS की हमारी वर्कशीट है, उसको भी आप जरूर देखें। तो बच्चों, हमारी थर्ड क्लास की वर्कशीट है, जिसकी दिनांक जो है 19 अप्रैल 2021 है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो बेटा आपको, जैसे मैं हर बार जैसे आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको थर्ड क्लास के बाद सेक्शन मेंशन करना है। आप कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, ए में पढ़ते हैं, बी में पढ़ते हैं, सी में हैं, डी में हैं, वो आप जो है मेंशन कीजिए, लिखिए, और विद्यार्थी का नाम, आपका नाम आएगा, और आपकी शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाती हैं उनका जो है नाम आपको यहाँ पे लिखना है। पाठ है हमारा शेख बाजी मक्खी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, और आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा, और बेटा वीडियो को भी लाइक करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगा। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आइए पाठ शेख बाजी मक्खी बोलकर मज़े से पढ़ते हैं, और साथ ही यह भी जानना का प्रयास करते हैं कि आखिर पाठ में मक्खी ने ऐसा क्या किया कि उसे शेख बाजी मक्खी कहा गया, ठीक है। शेख बाजी का मतलब बढ़ चढ़कर बात करने वाला होता है ना, कहीं कहीं होते हैं, होते कुछ भी नहीं है, होते छोटे मोटे से ऐसे करते हैं, लेकिन बात ऐसे करते पता नहीं क्या है, उसका ही मतलब शेख बाज होता है। इसी तरह पाठ में आए कुछ और नए शब्दों के अर्थ हम जानते हैं। प्रश्न नंबर एक है कि पाठ में आए नए शब्दों के सही अर्थ कोष्ठक में, कोष्ठक माने क्या होता है, जो हमारा ब्रैकेट होता है, ये हमारा ब्रैकेट है ना, इसको हम बोलते हैं कोष्ठक, में से चुनकर लिखने हैं। स्नान, स्नान का मतलब क्या होता है, नहाना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहाना, नहाना, ठीक है, नहाना। विशालकाय, विशालकाय का मतलब क्या होता है, बड़ा शरीर, तो यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा शरीर। स्पेलिंग आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ यहाँ से जो कोष्ठक है इसमें से देख लें, बड़ा शरीर, और मंद 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 मतलब होता है धीरे धीरे, क्या होता है, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे। तो हमने ये क्या है, अपना जो हमारा ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसको पूरा कर लिया है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर हमें लिखने हैं। तो हम लिखते हैं ये क्या है, ये क्या है, मच्छर, जो आजकल बहुत हो रहे हैं, ये क्या है, मच्छर, ये किसका चित्र है, मच्छर का, ये क्या है, मक्खी, मक्खी, आपने फिल्म भी देखी होगी मक्खी, ठीक है, ये है मक्खी, ये है टिड्ढा, ठीक है, टिड्ढा बचपन में हम बहुत बांधते थे और खेलते थे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये है टिड्ढा, ये क्या है, मकड़ी, ये क्या है, मकड़ी, और ये क्या है लाल रंग की, ये क्या है, चींटी, चींटी, इसको हम कई लैंग्वेज में कीड़ी भी बोलते हैं, चींटी, लेकिन ज़्यादा वो है, तो ये है चींटी, ठीक है। ये हमारा हो गया है प्रश्न नंबर दो। इसके बाद हमारा जो है प्रश्न नंबर तीन पे आते हैं हम, कि बच्चों सोचिए और झटपट इनके उत्तर दीजिए। क क्या है कि दो कीट पतंगे जो घर में दिखाई देते हैं, कौन कौन से, एक तो मच्छर और मक्खी, मच्छर और मक्खी क्या है, हमारे घर में दिखाई देते हैं, मक्खी, मच्छर भी लिख सकते हैं, मच्छर हो गया, मक्खी भी लिख सकते हैं, मकड़ी भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दो कीट पतंग जो आपके घर के बाहर दिखते हैं, आपको जो घर का, तो भंवरा, भंवरा जो होते हैं आपको, भंवरा, ठीक है, मैं यहाँ पे तो ये क्या है, भंवरा और टिड्ढा, या तितली भी लिख सकते हैं, टिड्ढा, ठीक है, ये हमारा जो है हमें बाहर दिखाई देते हैं, ये हमारा प्रश्न नंबर तीन है। इसके बाद प्रश्न नंबर चार है, बूझो तो जाने उस्ताद तुमको माने, मतलब अगर आपने बता दिया हमें कि ये क्या है, तो हम आपको क्या है, उस्ताद मानेंगे। क्या है कि नीचे कीट पतंगों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इन्हें बोलकर पढ़िए व दी गई खाली जगह में लिखिए। मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली, तो ये कौन है, तितली, तितली ही क्या होती है, रंग बिरंगी होती है, ये बहुत कलर की होती है, क्या है, तितली। रात में मैं हूँ चमकता, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर लगता, ये क्या है, ये क्या है, जुगनू। आपने कई बार इनको जब गांव में जाते होंगे आप, जब आपने देखा होगा, तो ये क्या है, जुगनू, जुगनू, ठीक है, ये क्या है, जुगनू। हमने दो का जो है आंसर दे दिया, हमें तीसरे के लिए इनको क्या है, रब करना पड़ेगा। तो ग क्या है, मिट्टी के अंदर रहकर उसे उपजाऊ बनाऊं, इसलिए किसानों का दोस्त कहलाऊं, ये क्या है, कैचुआ, जिसको हम अर्थवर्म बोलते हैं, कैचुआ, इंग्लिश में अर्थवर्म आपने सुना होगा, कैचुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रश्न हमारा जो है पूरा हो गया। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि मक्खी मच्छर बीमारियां फैलाते हैं, इनको पनपने से हमें रोकने के लिए बच्चों के साथ मिलकर निश्चित करें घर के आसपास गंदगी ना हो,
किसी भी कोने में या छत पर किसी पुराने बर्तन या टायर में पानी जमा ना होने दें, अगर है तो आप प्लीज़ उसको क्या है निकाल दें। तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है, और COVID-19 है चल रहा है, तो हमें प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन व सैनिटाइजर से सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाएं, 2 गज़ दूरी का ध्यान रखें। तो बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और EVS की वर्कशीट देखना ना भूलें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।